अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान्स किचन। Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि बारबेक्यू सॉस के साथ कच्चे गोश्त के कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तकरीबन 3 मीडियम ओनियन को फाइन चॉप कर लेते हैं और एक बंच कोरिएंडर को भी इसी तरह से फाइन चॉप कर लेते हैं। ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आपको चाहिए हो उसको भी फाइन चॉप कर लें। इसमें लिया है हमने 1 kg मटन मिस और जिसमें तकरीबन 10% फैट है, 2 tablespoon जिंजर पेस्ट, 2 tablespoon गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/3 tablespoon गरम मसाला, 1/4 tablespoon क्यूमिन पाउडर, 1 tablespoon चिली फ्लेक्स और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एक लिया इसमें हमने एग, ये बाइंडिंग के काम आएगा। ये 3 हमारे चॉप किए हुए ऑनियन है, इसमें मिलाएंगे जो हमने चॉप किया था कोरिएंडर, और इसके अलावा इसमें 3 tablespoon वेजिटेबल ऑयल मिलाएंगे। और अब हम मिलाएंगे इसमें ग्रीन चिली और बस इसको मिक्स करना है। अब इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करना है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। पहले हमें एक साइड से इसको सेकना है और जब हम इसको दोबारा से दूसरे साइड से एक बार और सेकेंगे तो उससे पहले हम इसके ऊपर अपना बारबेक्यू सॉस लगाएंगे। आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गोली बनाएं, आप इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। एक्चुअली मेरा ब्रश नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं उसको अभी ढूंढ रहा हूँ। और क्योंकि मेरे ये कबाब हो चुके हैं 3, तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इस बीच में मैं अपना ब्रश तलाश करता हूँ। इस टाइम इसमें से बहुत ही ज़्यादा लजीज खुशबू आ रही है, आप जब बनाएंगे तो आपको इसका एहसास होगा। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयली भी बना सकते हैं, ज़्यादा ऑयली डालेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आएगा, बट मैं इस टाइम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर मैंने 10% ऑलरेडी फैट यूज़ किया है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ रखी होती है बट नहीं दिखती, तो वही इस टाइम मेरे साथ हो रहा है। मुझे ब्रश नहीं मिल रहा और मुझे अब ये स्पून से ही लगाना पड़ेगा। ये हमारा बारबेक्यू सॉस है और मैं अब इसको स्पून से लगाता हूँ। एक साइड से लगाने के बाद इसको टर्न करके सेक लें और फिर उसी तरह से दूसरी साइड से लगा लें। सॉस के अंदर थोड़ा सा आप ऑयल मिला के लगाएंगे तो थोड़ा सा और इसके अंदर ग्लॉस आ जाएगा और अच्छा तरह से सीखेगा, बट मैं इसमें ऑयल नहीं मिला रहा, मैं बिना ऑयल के ही इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इस टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसको आप इमली की चटनी या हरी धनिया की, पुदीने की, मिंट की चटनी के साथ और प्याज लेमन के साथ इसको आप खाएं और इंजॉय करें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।